दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या डिफरेंस होता है फोर पीस और टू पीस बॉल के बीच में, डिफरेंस बिटवीन टू पीस एंड फोर पीस या फिर फोर पीस एंड टू पीस बॉल के बीच में जो डिफरेंस होता है। तो देखो मेरे पे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बॉल रखी हुई है मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये देखो ये वाली बॉल है लेदर की, को दिखाता हूँ। ये बॉल है जो पीली होती है लेदर की डंडे वाली। इसके अलावा लेदर की फुल वाइट जो होती है यहाँ पर वाइट वाली बिल्कुल ये हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेड लेदर बॉल है, ठीक है गाइस। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये कोर्क वाली बॉल है, ये देखो। इसके अलावा यहाँ पर और दूसरी क्वालिटी की ये पीले वाली बॉल है, फिर यहाँ पे और क्वालिटी की ये रेड वाली बॉल है। तो पूरा आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको डिटेल में। इस वीडियो को यार जरूर लाइक कर देना, थम्स अप देना इस वीडियो को। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स का टारगेट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करना। तो देखो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर जो टू पीस बॉल होती है नॉर्मल, तो टू पीस बॉल में बेसिकली होता क्या है कि टू पीस बॉल में बेसिकली यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं होती है बीच में से। मतलब बेसिकली होता क्या है, टू पीस में एक पीस ये लिया, एक पीस ये लिया बॉल का, और दोनों को मिलाया सिला और उसके बाद में बॉल बन गई। ये होती है टू पीस बॉल, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फोर पीस बॉल की। तो देखो जैसे कि ये वाली बॉल है, तो ये बेसिकली फोर पीस बॉल है, ठीक है। बल्कि ये मैक्सिमम बॉल इनमें फोर पीस ही है वाइट वाली भी। तो देखो जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे ये यहाँ पे लाइन आपको दिख रही होगी, मैं फोटो भी डाल दूंगा, ये लाइन दिख रही होगी आपको। तो देखो जैसे कि आप देख सकते होंगे ना यहाँ पे लाइन है, ये देखो ये लाइन है, मैं फोटो भी डाल दूंगा। तो बेसिकली फोर पीस बॉल की जो मेन पहचान होती है आपको करनी हो वो ये है कि ये बेसिकली चार पीस से मिल करके बनी होती है, ठीक है। तो एक पीस ये वाला हो गया, एक पीस ये हो गया, एक पीस यहाँ पे, एक पीस यहाँ पे, उसके बाद उनको मिलाया और फिर उसको सिला और उससे जो है ये बॉल बन गई। तो बेसिकली टू पीस होती तो दो पीस लिया उनको जोड़ा सिल दिया और ये बन गई टू पीस, और फोर पीस हो गई तो उनको जोड़ा और बीच में जो गोला गोला होते हैं वो भरा और सिल दिया, ये हो गई फोर पीस। इसी तरह से यहाँ पे ये वाइट वाली है, देखो जैसे कि आप देख सकते होंगे वाइट में काफ़ी क्लियर लाइन दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पे लाइन है। तो ये लाइन जो होती है ना इसी से पता चलता है फोर पीस और टू पीस, ठीक है। ये तो होता है बेसिक डिफरेंस, चार टुकड़ों से बनती है फोर पीस और दो टुकड़ों से बनती है टू पीस। इसके अलावा मैं आपको बहुत ही क्लियर दिखाता हूँ, देखो पेंट वाली में वाइट वाली में तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये देखो ये रहा, दिख रही है ना आपको ये लाइन, ये है फोर पीस की पहचान। तो इसी तरह दोनों तरफ यहाँ पे लाइन होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि कुछ लोग, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई टू पीस जो है हमारी ज़्यादा स्विंग होती है, तो हाँ ये एक फैक्ट है, टू पीस कई बार ज़्यादा स्विंग होती है, ये भी सच है। टू पीस में स्विंग थोड़ा ज़्यादा मिलता है प्रैक्टिस में, इसलिए काफ़ी लोग टू पीस को यूज़ करते हैं। और भी काफ़ी रीजंस हैं यहाँ पे, फोर पीस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम स्विंग करती है एज़ कम्पेयर टू टू पीस, लेकिन जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें यूज़ करी जाती है फोर पीस। फोर पीस यहाँ पर काफ़ी ड्यूरेबल ही होती है, ड्यूरेबल भी होती है, लंबी चलती है अच्छी खासी यहाँ पे। जैसे कि 50 से ज़्यादा ओवर का होता है अपना, 80-90 ओवर टेस्ट मैच जो होता है लंबा चलता है, तो यहाँ पे रेड वाली बॉल फोर पीस यूज़ करी जाती है। सेम केस यहाँ पे वन डे 50 ओवर का होता है तो ये वाइट वाली बॉल यूज़ करी जाती है। इसके अलावा बहुत से लोग वेट की बात करते हैं कि टू पीस और फोर पीस में वेट का डिफरेंस होता है, तो यार वेट का इतना ज़्यादा कुछ खास ऐसा डिफरेंस होता नहीं है। ऑन एन एवरेज तकरीबन 155-156 ग्राम के आसपास की बॉल होती है यहाँ पे, कोई भी लेदर की बॉल हो तो यही उसका नॉर्मली वेट होता है। तो मेन डिफरेंस वही थोड़ा बहुत स्विंग का होता है, लेकिन जो रूट डिफरेंस है वो है टुकड़ों का। चार लेदर के टुकड़ों से मिलके बनी होती है फोर पीस और दो लेदर के टुकड़ों से बनी होती है टू पीस, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे देखो ये बहुत सारी अलग अलग तरीके की बॉल है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस आता है बॉल्स में वो ये देखो, दोनों ही बॉल यहाँ पर ये फोर पीस है, लेकिन एक ये येलोइश बॉल है, एक व्हाइटिश बॉल है। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में ये भी बता दूं मैं आपको। तो यहाँ पर ये जो येलो वाली बॉल होती है ना, ये वाली, ये बेसिकली है तो ये वाइट लेदर बॉल ही, लेकिन इसमें क्या होता है ये नेचुरल लेदर से बनी है, नेचुरल वाइट जो लेदर है उसके ऊपर एक पॉलिश करी जाती है, उसके बाद ये बॉल बनती है। जबकि ये वाली जो बॉल होती है इसमें बॉल में जो लेदर होता है उसके ऊपर वाइट पेंट करा जाता है। अब पहले से लेके अब तक ये वाली बॉल चलती थी, अब भी चलती है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम के साथ साथ अगर मान लो साल डेढ़ साल ये बॉल रखी रहे तो ये पीली पड़ने लगती है, क्योंकि वो जो पॉलिश होती है ना वो रंग चेंज करती है। हालांकि आज के टाइम पर काफ़ी अच्छी पॉलिश आने लगी है जो कि नहीं पड़ती पीली, लेकिन कुछ केसेस में होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है पीली। अब बहुत से लोग इससे खेलना प्रेफर करते हैं कि पीली बॉल चाहिए, तो वो पीली नहीं होती, होती वाइट ही है, लेकिन टाइम के साथ वो पीली हो जाती है। तो बहुत से लोग कहते हैं यार मैं नहीं ले रहा ये वो, या फिर कंपनीज को बनाने में भी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो आज के टाइम पे ये यूज़ करने लग गए हैं। एसजी ने सिंपलीज को निकाला, वो लोग ये यूज़ करने लग गए ये वाइट पेंट वाली बॉल। इसमें क्या होता है पॉलिश वॉलिश करनी नहीं पड़ती, पेंट यूज़ करते हैं वो, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं होती पीली वीली पड़ने की, पेंट कर दिया अब ये ऐसी रहेगी वाइट। तो ये तो डिफरेंस होता है इन दोनों में, पीली और वाइट बॉल में बेसिकली है एक ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिश का और पेंट का डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो कोर्क वाली बॉल है, देखो जैसे कि आप देख सकते होंगे ये आप लोग खेलते होंगे
हार्ड कोर्क वाली, जो फ्लैश फ्लैश जो भी आप बोलते हो, ये सारी बॉल है हार्ड कोर्क की जो रहती है, वो ये वाली बॉल है, ठीक है। ये भी काफ़ी भारी होती है, अच्छी खासी यहाँ पे लेदर जैसी, लेकिन ये थोड़ी सी ये होती कोर्क की है, रबर की होती है, लेकिन भारी अच्छी खासी होती है लेदर की तरह। तो बच्चे या फिर स्टार्टिंग में जब लेदर की बॉल से शुरू खेलना शुरू करते हैं तो इससे खेल लेते हैं, या फिर आसपास गली वली ग्राउंड में भी बहुत से बच्चे इनसे खेलते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बॉल होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अपनी लेदर की और बॉल के बीच में, अब डिफरेंस की बात करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ये बॉल में लेके आया, देखो गाइज ये दो बॉल है यहाँ पे, आप देख सकते होंगे ये वाली बॉल है एक ये वाली बॉल है, दोनों ही बॉल फोर पीस है, लेकिन दोनों के रेट में काफ़ी डिफरेंस है। ये वाली बॉल तकरीबन 250-300 रुपये के आसपास की आपको मिल जाएगी, ये वाली बॉल तकरीबन आपको 250 रुपये के आसपास की मिल जाएगी फोर पीस बॉल, और ये वाली जो बॉल है ये आपको ऐसी मिलेगी 400 रुपये के आसपास की। देखो आपको थोड़ा सा इनके कलर में भी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही फोर पीस बॉल हैं और यहाँ पर रेट बॉल के बहुत सारे अलग होते हैं। आपने देखा होगा बॉल तकरीबन 160-170 रुपये के आसपास से शुरू होकर नीचे जो क्वालिटी की ठीक ठाक सी बॉल होती है और फिर हज़ारों रुपये तक जाती है। तो क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि ये वाली बॉल 250 के आसपास की है, ये 400 के आसपास की है, तो क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस काफ़ी सारे लेवल पर होता है। सबसे पहले डिफरेंस होता है इनके जो लेदर होता है, देखो आपने रंग से भी आपको लग ही रहा होगा देखने में, इनका जो कलर है काफ़ी डिफरेंस है कलर में, ठीक है। तो लेदर इनका जो होता है वो बेसिकली अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है जब यहाँ पे बात आती है ये वाली बॉल में, ठीक है। जो महंगी बॉल होती है उनमें लेदर की क्वालिटी बढ़िया होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो वाटरप्रूफ भी होती है। वाटरप्रूफ इसलिए तो होती है क्योंकि उनमें लेदर अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है, पॉलिश की जाती है, कोटिंग वगैरह, वो बढ़िया होती है। उन सब में हो सकता है कोटिंग ना हुई हो या फिर लो क्वालिटी की मटेरियल से की गई हो। इसके अलावा सिलाई का डिफरेंस होता है, देखो आप यहाँ पर सिलाई में किस तरीके की कितनी दूरी पे सिलाई होनी है, बारीक सिलाई होनी है, मोटी होनी है, उनका अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना है, ये सब चीज़ों का डिफरेंस होता है। इसके अलावा वेट, जो महंगी बॉल होगी उसकी स्पेशलाइजेशन यही होती है, सस्ती बॉल में वेट ज़्यादा भी हो जाता है। इसके अलावा इनकी शेप बिल्कुल सही होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो मटेरियल होता है, वो जो गोला भरा जाता है, वो पूरा जो होता है वो एकदम फर्स्ट क्लास बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होता है, जबकि उसमें लो क्वालिटी का होता है। उसमें सस्ते वाली बॉल में ख़राब कचरे वचरे का भी गोला भर देते हैं, लेकिन इसमें एकदम प्रॉपर जो गोला आता है वो भरते हैं, जिससे कि बॉल अच्छी बनती है। अब इसी तरह यहाँ पे ये वाइट बॉल के भी बीच में सेम डिफरेंस होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे महंगी सस्ती का हिसाब किताब होता है बॉल का, और क्या टू पीस है क्या फोर पीस है, यही पूरा प्रोसीजर था। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझे इतना सारा कैसे पता है या फिर मैं ये सब कैसे रहा है। तो गाइज मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं पहले ही कि मैं मेरठ में रहता हूं, और आपको पता होगा मेरठ इज़ द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का स्पोर्ट्स का मैक्सिमम जो सामान है, ज़्यादातर सब कुछ यहीं से होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहीं हैं मेरठ में। तो बेसिकली जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो भी आपके दिमाग में नाम आए क्रिकेट विकेट से रिलेटेड, टेबल वेबल टेनिस, सब स्पोर्ट्स का सामान, जिमनास्टिक, सब यहीं बनता है, सारी कंपनीज़ मेरठ में ही हैं, ठीक है गाइज। तो किसी दिन मौका लगेगा तो आपको दिखा भी दूंगा कहाँ उनकी फैक्ट्रीज वगैरह आते जाते काम से मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पे एक जगह से, एक फैक्ट्री से ये बॉल लेके आया था जा करके, और आपको दिखाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो आने वाले टाइम में आप और किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूँ तो आपको पता है कि बैट यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, बॉल, स्पोर्ट्स का सारा ही सामान यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। तो कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में बैट कैसे बनता है, बॉल कैसे बनती है, या फिर और भी सब चीज़ें कैसे बनती हैं, सब मैं आपको दिखाऊँ, तो ज़रूर दिखाएंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई वीडियो बनवाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।